नमस्ते बच्चों, ज्ञानदेव विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 1 की हिंदी में पाठ 9 बंदर और गिलहरी ये पाठ हम पढ़ेंगे। इसमें चलो देखो, ये आपको बंदर दिख रहा होगा कि बंदर जो है पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और एक गिलहरी जो है नीचे ज़मीन पर और बंदर की पूंछ को पकड़े हुए लटक रही है। तो चलो पढ़ते हैं पाठ में क्या लिखा गया है। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। तो बच्चों, ये कहानी थी कि एक बंदर जो है पेड़ पर बैठा हुआ था और उसकी पूंछ इतनी लंबी थी कि नीचे ज़मीन तक लटक रही थी, और नीचे ज़मीन पर कौन उछल कूद कर रहा था? गिलहरी। और गिलहरी को ऐसा लगा कि ये जो है झूला है, इसलिए वो उसमें झूलने लगी। तो हमने पाठ में देखा गिलहरी जो है कैसे बंदर की पूंछ पर झूल रही है। चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है गप्पे। गप्पे मतलब होता है जब दो लोग आपस में कोई बात कर रहे होते हैं या किसी की बढ़ाई चढ़ाई करके बात कर रहे होते हैं, तो वो जो है गप्पे कहलाती है। इसमें है, बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। देखो सड़क कितनी लंबी होती, तो पूंछ, इसकी पूंछ, बंदर की पूंछ को क्या बताया गया कि सड़क के जैसे लंबी थी, मतलब ख़त्म ही नहीं होती थी। आगे है, चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे। अब हमको यहाँ पर पहला आपको उदाहरण दिया गया था ये बंदर की पूंछ, अब हमको जो है यहाँ पर खुद जो है लिखना है सोच करके कि घनी क्या चीज़ घनी होती है। तो घना क्या चीज़ होता है? सिर के बाल। यहाँ पर हम लिखेंगे, ना इतने घनी थी कि सिर के बाल जितनी, हमारे सिर के बाल जितनी, ठीक है। चलो आगे है, भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे। अब कोई मोटे से जानवर का हमने नाम लिखना है, तो मोटा जानवर कौन है? हाथी। जैसे हाथी जैसा। चलो आगे है, ऊँट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे। अब किसी ऊंचे चीज़ का आपने नाम लेना है, तो ऊंचा क्या होता है? पहाड़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहाड़ जितना। कितना ऊंचा था? ऊँट पहाड़ के जितना। चलो आगे है, चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे। अब छोटी चीज़ क्या होती है? किसी छोटी सी चीज़, छोटी चीज़ का, जीव जंतु का नाम बोलो, तो चींटी। कितनी छोटी थी? चींटी के जितनी छोटी। चलो अभी आगे है, कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे। अब कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ का नाम बोलो, नाम सोचो, तो टेढ़ी मेढ़ी चीज़ क्या होती है? जलेबी। जलेबी जो है कितनी टेढ़ी होती है, होती कि नहीं होती है? तो किसके जैसी थी? जलेबी के जैसे। अब नीचे लिखा है, कोयल फिर खाली जगह इतनी, फिर खाली जगह थी, खाली जगह जैसे। अब कोयल की क्या चीज़ अच्छी होती है उसके विषय में हमने लिखना है, क्या मतलब क्या उसमें खूबी होती है वो हमने लिखना है। तो कोयल की आवाज़ अच्छी होती, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोयल की आवाज़। कोयल की आवाज़ इतनी क्या थी? मीठी। इतनी मीठी थी, फिर इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे। अब मीठी चीज़ क्या होता है? रसगुल्ला।
मीठी चीज़ का नाम रसगुल्ला। रसगुल्ला मीठा होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो हमने उदाहरण लिखा रसगुल्ला। चलो आगे चलते हैं। आगे है गुदगुदी। ये देखो, ये जो चूहा है गोलू चूहा, वो देखो बता रहा है, देखो गुदगुदी लग रही है। किसको लग रही है? सलोनी जो बिल्ली है, ही खुदी जो है अपने आप को गुदगुदी कर रही है, खुदी जो है हंस रही है। तो गुदगुदी किसको कहते हैं? जब हमको कुछ अलग से महसूस होता है उस समय हमको गुदगुदी टाइप के लगता है, कुछ अलग लगता है, उसको गुदगुदी कहते हैं। ठीक है, कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ? कुछ अजीब सा लगा कि नहीं लगा? अचानक कोई अगर हमारे पीठ पर, सर पर या उंगली हाथ पे अगर ऐसे घुमाता है तो हमको अजीब सा महसूस होता है, तो उसको हम जो है गुदगुदी कहते हैं। अब खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ? अब खुद को हम गुदगुदी करेंगे तो भी हमको गुदगुदी से लगेगी, हमारे मुँह से जो है हंसी निकलेगी। लेकिन जो है दूसरा जो करता है गुदगुदी वो ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर हम लोग खुद करेंगे तो खुद की गुदगुदी थोड़ी कम लगती है। क्या करोगे? गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला। तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगे, करके दिखाओ। अब जो है नीचे चीज़ें दी गई है, उससे आप क्या करेंगे उसके बारे में आपने लिखना है। ये है रुमाल। रुमाल से हम क्या करते हैं? हाथ पोंछते हैं। पोंछते कि नहीं पोंछते? हाथ पोंछना। दूसरा मुंह साफ करना, मुंह पोंछना या मुंह साफ करना। चलो अगला है पेंसिल। पेंसिल से हम क्या क्या करते हैं? लिखने का कार्य करते हैं, तो लिखना। दूसरा क्या करते हैं? चित्रकारी करते हैं, चित्रकारी करना। चलो अगला है फुट्टा, यानी कि स्केल। तो स्केल हमारी किस क्या काम आती है? सबसे पहले तो लाइन खींचने के लिए हमारे काम आती है, यानी कि रेखा खींचने के लिए, रेखा खींचने के लिए। दूसरा क्या काम आता है? हमको जब नाप लेना हो किसी चीज़ का, तो छोटी स्केल जो है वो 6 इंच की होती है और बड़ी स्केल जो है 12 इंच की। तो हमको जब जितना माप चाहिए हम स्केल में देख करके और नापते हैं। ठीक है, तो नापने के लिए, नापना। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। आगे क्या है? क्या क्या, क्या क्या में है तुमको? तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इसके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। कुछ सामान मैं लिख देती हूँ, आपको जो भी पसंद हो, जो भी आता हो वो आप भी लिख सकते हैं। हम खाते हैं रोटी, दाल, सब्जी और चावल, चॉकलेट, फिर चॉकलेट के अलावा क्या क्या खाते हैं हम लोग, जैसे फल, फिर सूखे मेवे जैसे बादाम भी खाते हैं ना हम लोग, बादाम। फिर उसके बाद जो है और क्या क्या मीठे में जो है मिठाइयाँ खाते कि नहीं खाते? मिठाई, ये सब चीज़ें हम जो है खाते हैं। चलो अभी आगे चलते हैं। आगे जो है सलोनी बिल्ली कहती है, मुझे तो दूध भात पसंद है। हाँ, बिल्ली को तो दूध भात बहुत पसंद है। अब देखो नीचे ये कुछ सामान दिए गए हैं, इसमें गिलहरी क्या क्या खा लेती है। अब गिलहरी क्या क्या खा लेती है वो आपने सोचना है, या तो आपने कभी देखा होगा कि गिलहरी जो है क्या क्या खा लेती है। तो गिलहरी जो है उसको मूँगफली, मूँगफली, मूँगफली जो है गिलहरी को बहुत पसंद आती है, क्योंकि मूँगफली के तोड़ करके अंदर से गिरी निकाल कर वो खाती है। उसके बाद जो है अमरूद भी खाती है, अमरूद भी पसंद है। उसके बाद अखरोट जो है, आपको ध्यान रखना कि वो गिरी वाली चीज़ें जो है ज़्यादा पसंद करती है। अखरोट, फिर बादाम, फिर उसके बाद अनाज के अनाज भी खाते हैं। अनाजों में जो है वो बाजरा, दाल, और अगर कभी रोटी का टुकड़ा दो तो कभी देखो तो रोटी का टुकड़ा भी खाती है। चलो ये सब चीज़ कौन खाता है? गिलहरी। आगे देखते हैं बंदर क्या क्या खा लेता है। बंदर को तो आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा पसंद बंदर क्या करता है? केला। बंदर को अगर केला दो तो तुरंत खा लेगा। उसके बाद मकई,
फिर मूंगफली, मूंगफली को भी देखो तोड़ करके और सुंदर अच्छे तरीके से खाता है। चलो उसको भी जो है फल दे दो, कोई सा भी अमरूद दे दो तो अमरूद भी खा लेता है तोड़ करके। फिर उसके बाद अगर तरबूज पकड़ा हो तो तरबूज भी खा लेता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बंदर को जो भी दो वो सब चीज़ें वो खा लेता है। उसके बाद चने अगर दो तो चने भी जो है बड़े मज़े से खाता है। चलो बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है कौन कौन। मैं बहुत उछल कूद करती हूँ, कौन कहता है, सलोनी बिल्ली कह रही है। अब इसमें जो है कुछ जानवरों के नाम, जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा, ये कुछ जानवरों के नाम हैं और ये दो खाने दिए गए हैं। इसमें एक में लिखा है उछल कूद करते हैं, दूसरे में है उछल कूद नहीं करते हैं। तो हमको ये जानवरों के नाम ऊपर से देखना है और नीचे इनमें नाम लिखने हैं। देखो नीचे आपको जानवरों के चित्र भी दिए गए होंगे, क्योंकि आप नाम नहीं तो पहचान करके भी जो है आप बता सकते हो कौन सा जानवर उछल कूद करेगा और कौन सा जानवर उछल कूद नहीं करेगा। चलो तो लिखना शुरू करते हैं। इसमें है सबसे पहले लिखा है गाय। गाय उछल कूद करती है, नहीं करती है, तो यहाँ पर गाय हम जो है यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है शेर, शेर भी उछल कूद नहीं करता है, वो भी हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है गधा, गधा भी उछल कूद ज़्यादा नहीं करता है, तो उसको भी गधा भी हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद गिलहरी, गिलहरी जो है उछल, तो ये हमने लिखा गिलहरी। उसके बाद है हाथी, तो आपने हाथी को देखा है उछल कूद करते हैं, वो नहीं करता है, भारी भरकम शरीर है इसलिए वो उछल कूद नहीं करता है, तो हमने हाथी यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है खरगोश, खरगोश उछल कूद, हाँ देखा होगा आपने खरगोश कैसे उछलता है, तो खरगोश हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है बिल्ली, बिल्ली भी उछल कूद करती है, उसको भी हमने यहाँ पर लिखा है। फिर चूहा, चूहा भी उछल कूद करता है, उसे भी यहाँ लिखते हैं। कुत्ता, कुत्ता भी जो है उछल कूद करता है, आपने देखा होगा कुत्ते को भागते हुए दौड़ते हुए। फिर उसके बाद है ऊँट, ऊँट जो है उछल कूद नहीं करता है, तो वो यहाँ यहाँ लिखा जाएगा। तो चलो अभी आगे देखते हैं बच्चों, बस आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। देखो आपने देखो ऊपर नाम अगर नहीं पढ़ना आएगा, नहीं समझ में आएगा, तो नीचे आप चित्रों को देख करके इसका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। चलो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।